हेलो, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। आज हम जो है वो आपको लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर जो है बिजनेस स्टडीज का जो है हमने लेक्चर आज से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो एक पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हमने आपको अभी तक इतनी वीडियोज जो बनाई है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बनाई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज। तो जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, जब सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था, और इंट्रोडक्शन में हमने सारी चीजें आपको बताई थी कि किस तरीके से जो है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं या कौन कौन से चैप्टर्स हैं या वो चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमने आपको जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराई थी तो हमने आपको बताया था। वैसे ही सेम वही प्रोसेस है, हम बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करेंगे, तो जो कि हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वी विल स्टार्ट द टॉपिक, और आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो इन अनदर सब्जेक्ट, और ये अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज हैं। तो बिजनेस स्टडीज की जो है वो वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं आज से। एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं वीडियोस बना रहा हूं तो मैं पर्टिकुलर उन वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में बना रखा है, और उन प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है वीडियोस को देख सकते हो। तो उसको मैं जब सारी वीडियोस आपकी प्रॉपर बन जाएंगी तो वीडियोस को मैं जो है एक डे चैलेंज में कन्वर्ट करूंगा। अब आप कहोगे सर डे चैलेंज क्या है? डे चैलेंज का मतलब ये कि मैं एक डेज दूंगा, जैसे नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम को करने में आपको 5 डे चैलेंज होगा। तो 5 डे चैलेंज में क्या होगा, 5 दिन आपके पास होंगे और उन्हीं 5 दिन में जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा नेशनल इनकम सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज हम फर्दर आपको बताएंगे जिससे कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो अभी थोड़ा सा जो है वो हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में जो है बात कर रहे हैं, और हमारा जो टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट होता है दैट इज, आप ये भी बोल सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। कि जब आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ रहे हैं, यू आर न्यू टू द सब्जेक्ट, आप नए हो सब्जेक्ट के लिए क्योंकि आप क्लास 12th में हो, और आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो आपकी बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बिजनेस स्टडीज आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड तो है लेकिन वो बुक एक ही होती है, सिंगल बुक होती है। तो उस बुक में जो है आप सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में जो है टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं, और पार्ट बी जो आपका है उसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके टोटल आप कह सकते हो कि 4 चैप्टर्स हैं आपके। जैसे सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी, सबसे पहले जो है वो बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में एक्चुअली बिजनेस स्टडीज जो 12th की है आपकी, बिजनेस स्टडीज 12th में आपको ये बताया गया, 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि 12th की बिजनेस स्टडीज हमें ये बताएगी कि व्हाट आर द मैनेजमेंट के बारे में, मेनली हम जो पार्ट ए पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो हम चैप्टर वाइज थोड़ा सा हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। चैप्टर फर्स्ट आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आप कहोगे सर नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। इन अगर आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई भी एक इवन बिजनेस नहीं, आप कहीं पर कुछ भी अगर आप जो है किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट कोई भी चीज आप चाहो कि वो पॉसिबल हो सकती है तो वो पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। मतलब अगर हम एक मैनेजर हैं या आप एक मैनेजर हो, तो अगर आप एक मैनेजर होते हो तो आपका काम क्या होता है कि आप दूसरों से कितनी अच्छी तरीके से काम करवा सको, ये एक मैनेजर का काम होता है। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है, चैप्टर फर्स्ट हमें फोकस करेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के नेचर्स क्या है, मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है, मैनेजमेंट को कितनी चीजों से कंपेयर किया गया है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में आप ये भी पढ़ोगे, मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर किया गया है, मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर किया गया है, मैनेजमेंट को जो है प्रोफेशन से कंपेयर किया गया है, मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में बताया गया है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनके बारे में भी बताया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई गई चैप्टर फर्स्ट में वो ये है कि मैनेजमेंट के प्रोसेस, मैनेजमेंट के जो है 5 प्रोसेस होते हैं, पूरा मैनेजमेंट 5 प्रोसेस पे वर्क करता है, और यही 5 प्रोसेस के चैप्टर के नाम भी है। फिर से समझना, मैं ये लाइन फिर से रिपीट करूंगा कि मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है वो 5 प्रोसेस आपके जो है वो बताए गए हैं, उन 5 प्रोसेस के नाम पर आपके चैप्टर्स के नेम भी हैं। अब आप कहोगे सर 5 प्रोसेस हैं कौन से, तो उनको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पी ओ एस डी और सी। मतलब
इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉज डीसी। पॉज डीसी का मतलब पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग एंड सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो इनको अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। तो फिर हम बात करते हैं किसकी, चैप्टर फर्स्ट में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं। चैप्टर सेकंड भी मैनेजमेंट पर ही डिपेंड है, लेकिन उस चैप्टर का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत, मतलब अगर आप एक मैनेजर हो और अगर आप एक मैनेजर होते हो और आप एज अ मैनेजर आपको चीजों को मैनेज करना है, तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल्स पर आप चीजों को मैनेज करते हो। तो देर आर 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ टेक्निक्स भी होती हैं कि अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर आप कोई भी एक टारगेट को अगर आपको पूरा करना है, एंड इफ यू आर फॉलोइंग दोज प्रिंसिपल्स, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो या अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, तो इजिली आप क्या कर सकते हो, आप उस वर्क को, कोई पर्टिकुलर वर्क है उसको पूरा कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब उन प्रिंसिपल्स को आप फोकस करो। तो चैप्टर सेकंड में बताया गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। चैप्टर थर्ड आपका आता है, जो चैप्टर थर्ड का नाम है वो है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। अब बात समझना, क्या नाम है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। अब आप कहोगे सर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट ये शब्द कैसा आ गया, तो समझो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, आपका इन्वॉल्वमेंट होगा आपके टीचर्स, आपके स्कूल, आपके फ्रेंड्स, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, ये आपके क्या हुए, इन्वॉल्वमेंट हुए। वैसे ही जब आप एक बिजनेसमैन बनते हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स, डेप्टर्स, आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज, आपकी मशीनरी, आपके प्लांट, ये सब क्या है, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो जो चैप्टर थर्ड है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में आप ये पढ़ोगे कि अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने में ऐसे कौन से इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट का सराउंडिंग, ऐसी कौन कौन सी सराउंडिंग्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, ऐसी कौन कौन सी सराउंडिंग्स हैं जो आप फॉलो करके चलते हो, ऐसी कौन कौन सी सराउंडिंग्स हैं जो एज अ बिजनेसमैन आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें आप चैप्टर थर्ड में पढ़ोगे। जैसे कई तरीके के इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं, इन्वॉल्वमेंट कैसे होते हैं, जैसे लीगल इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कई सारे जो है क्या होते हैं, कई सारे इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं जो एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ता है। तो ये चैप्टर थर्ड में, तो चैप्टर थर्ड में या चैप्टर थर्ड के होने के बाद अब आपका जब चैप्टर फोर्थ स्टार्ट होता है तो वो फोर्थ स्टार्ट होता है किससे, अब ये फोर्थ स्टार्ट होता है पॉज डीसी से। पॉज डीसी का मतलब, पॉज डीसी के पहला पॉइंट मतलब पी से। अब पी है क्या, तो पी देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पी की बात करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर फोर्थ है, याद रखना चैप्टर फोर्थ कौन सा है, पी मतलब प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आज हम प्लानिंग का आपको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग होता क्यों है, प्लानिंग की क्यों जाती है। तो जैसे इधर पे देखो, ये हमने बात की प्लानिंग की, ये चैप्टर का नाम भी है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल हो, आप कहोगे प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग का मतलब किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज को इन एडवांस में, इन फ्यूचर, इन एडवांस में हम किसी चीज को अगर सोच के चलते हैं तो वो चीज क्या होती है, वो चीज प्लानिंग होती है। आप प्लानिंग का मतलब होता क्या है ये समझो। जैसे सपोज करो आप हो, आपने ट्वेल्थ की बाद आपने कहा नहीं हमें नौकरी नहीं करनी है, हम तो चाहते हैं हमें बिजनेस करना है। तो फैमिली मेंबर्स ने कहा चलो ठीक है आप बिजनेस करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। अब अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ऐसा तो है नहीं आपने डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप उसकी प्लानिंग करते हो। प्लानिंग का आप एडवांस में सारी चीजें सोचते हो, आपने सोचा कि हमारी लोकेलिटी के अंदर जो है एक अच्छा सा जो है कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हम रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने प्रीवियस मतलब कि आपने पहले से प्लान की ना चीजें कि हमें क्या स्टार्ट करना है, रेस्टोरेंट। अब आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करोगे तो रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होगी, रेस्टोरेंट में जो है वो हम किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें प्लानिंग में आती है। याद रखना हमने एग्जाम्पल किसका दिया, रेस्टोरेंट का। तो रेस्टोरेंट पांचों चीजों में चलेगा, पांचों चीजों में चलेगा कैसे, ये देखो हम एक ही एग्जाम्पल से आपको पांचों चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग की बात हो रही थी, तो प्लानिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आज हम बात करते हैं आप 2020 में हो या 21 में हो, सपोज करो आप 2021 में हो, अभी आप इस तरीके के हो, इस तरीके का मतलब यह है कि अभी आप उदास हो, क्यों, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको एक्साइटमेंट है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, लेकिन आप चाहते हो कि 2022 तक आपका बढ़िया हंसता हुआ चेहरा हो और आप बढ़िया जो है मोटे ताजे हो जाओ बेहतरीन तरीके से और आप बहुत खुश होने लगो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है। किसका ब्रिज बनाता है? वेयर वी आर स्टैंडिंग टूडे, टूडे का मतलब 2021 में, एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। तो ये प्लानिंग का मतलब होता है। तो प्लानिंग चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? प्लानिंग चैप्टर में जो है वो आप प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी पढ़ोगे, आप प्लानिंग की सिग्निफिकेंसेस भी पढ़ोगे, आप प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप प्लानिंग के टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पढ़ोगे और प्लानिंग के प्रोसेस भी पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। तो ये प्लानिंग है। देखो, हम सिर्फ आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारे चैप्टर्स का, ये मत सोचना ये चैप्टर्स हैं। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के दिए थे, वैसे हम बिजनेस के भी जो है वो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। तो ये प्लानिंग के बारे में हमने आपको आज बताया, अभी बताया इस चैप्टर में। अब बात करते किसकी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग भी प्लानिंग के बाद जो दूसरा स्टेप आप लेते हो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, तो देखो सर, ऑर्गेनाइजिंग किसी चीज को हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज प्लान कर ली, आपने कोई चीज प्लान कर लिया, उसको क्या करोगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज बट नॉट अकाउंटेबिलिटी। मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की, जैसे आपने प्लान कर लिया, अब आप प्लान के बाद क्या करोगे, आप कहोगे किसको हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, किसको हम क्या अथॉरिटी देंगे, क्या और अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। अब आप कहोगे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क है, तो इतना सा छोटा सा फर्क इस चैप्टर के मैं बता देते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, आपके पास पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, किसी भी काम को हमें टाइम पर खत्म करना। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अगर एज अ मैनेजर अगर हम हैं तो कभी भी कोई भी एक अच्छा मैनेजर होगा तो वो अकाउंटेबिलिटी शेयर नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शेयर करता है, वो अथॉरिटी तो शेयर करता है, लेकिन ही डज नॉट शेयर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टाइम टू टाइम चेक करना। तो एज अ मैनेजर अगर आप मैनेजर हो तो आप खुद पर्सनल जाके चेक करोगे जो हमने वर्क दिया है वो क्या कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हम दे देते हैं क्योंकि अथॉरिटी में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो आप एज अ मैनेजर किसी को वर्क दे रहे हो, आपने कहा जाओ आज 20 प्रोडक्ट बना के लाओ। अब वो 20 प्रोडक्ट जब बनाने गया तो क्या हुआ, उसका रॉ मटेरियल खत्म हो गया। तो अगर आपने उसको अथॉरिटी दी तो क्या करेगा, वो जो रॉ मटेरियल खत्म हुआ वो उसको परचेस कर लेगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको खत्म करना ही है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप दे सकते हो लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आप जो है ये पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, जिसको बोलते हैं आप डिविजनल स्ट्रक्चर, और आपके जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ोगे। चैप्टर जो है 5th है ये ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस भी आप पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें आप क्या पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे चैप्टर 5th में जो है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं क्योंकि हमें कम टाइम में अच्छी वीडियोस इसलिए बनाने के, कम टाइम में हम एग्जैक्ट चीजें बता सके। अगर हम ऐसी फालतू की बातें करें तो वीडियोस बहुत लंबी होंगी और लोग बात करते भी हैं ऐसा, लेकिन हमें कम टाइम में बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट इसलिए देना है कि इफ यू वॉन्ट टू रियली वॉन्ट टू स्टडी, अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो ये एग्जैक्ट आप कंटेंट्स को अगर पढ़ लोगे तो आपको रियलिटी में जो है चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड कर ली, हमने अथॉरिटी डिसाइड कर ली, हमने अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर ली। अब बात आती है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें किसको। जैसे सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे सपोज करो एक कंपनी है, देखना इधर पे ध्यान से, एक कंपनी है और एक कंपनी जैसे ये है, एक ABC लिमिटेड है, ठीक है, एक XYZ लिमिटेड है, ठीक है। ABC लिमिटेड जो वो हैंडलूम में वर्क करती है, हैंडलूम्स में करती है, XYZ भी हैंडलूम्स में वर्क करती है। ABC लिमिटेड भी जो है वो बेंगलोर में है, XYZ भी लिमिटेड बेंगलोर में है। ABC लिमिटेड भी उसी रोड पर है, मॉल रोड पर है, XYZ भी मॉल रोड पर है, लेकिन ABC लिमिटेड जो उसका ईयरली टर्नओवर है वो 1.2 करोड़, लेकिन इसका XYZ का है 1 करोड़। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, जब सारी चीजें एक है तो डिफरेंस किसका आता है, डिफरेंस आता है मैन पावर का। किसका आता है, मैन पावर का, बिकॉज मैन पावर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, वो करता है मैन पावर। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, तो स्टाफिंग का मतलब यही बताया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, लेकिन अगर मैन पावर ही नहीं होगा तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो देखो फिर हम बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं पे स्टाफिंग की। तो देखो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टाफिंग का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो आपका चैप्टर 6 है। और स्टाफिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन है और वो आपको तुरंत जो है वो याद हो जाएगी। स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। 4 R होते हैं, इन 4 R पे स्टाफिंग होता है। जैसे पुटिंग द राइट पर्सन, आप सही आदमी रखो, एट द राइट जॉब, उसकी जॉब भी सही हो, पता चले बंदा मार्केटिंग का है आप उसको जो है वो रख रहे हो प्रोडक्शन में तो कोई फायदा नहीं। तो पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसके पास जिस जॉब में आप रख रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन भी उसके पास होनी चाहिए। एंड एट द राइट टाइम, राइट टाइम मतलब जब उसकी जरूरत हो, पता चले ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, उसके बाद में हम चाह रहे नहीं हम एक और एक्स्ट्रा रखें तो क्यों रखें, क्योंकि स्टाफिंग जब भी हम रखते हैं तो ये 4 R की जरूरत पड़ती है। विदाउट द 4 R आप जो है चीजों को पूरा नहीं कर सकते हो स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग में आप 2 प्रोसेस पढ़ोगे, एक होता है सिलेक्शन प्रोसेस और एक होता है स्टाफिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होते हैं जो आप फॉलो करते हो, तो ये स्टाफिंग प्रोसेस हुआ। इसमें स्टाफिंग चैप्टर में जो है वो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस और ये सब चीजें बताई जाएंगी। फिर बात करते हैं किसकी, फिर बात आती है डायरेक्टिंग की। अब देखो आपने स्टाफ रख लिया, अब जब आप स्टाफ रख लेते तो ऐसा तो होता नहीं है स्टाफ को आपने रख लिया, नाउ स्टाफ इज सिटिंग इन द ऑफिस और इन एनी फैक्ट्री और एनी इंडस्ट्री और वो बैठा हुआ है, बैठने का तो पैसा कोई देता नहीं है। पैसा किसका दिया जाता है, वर्क करने का। तो वर्क करने का जब पैसा दिया जाता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे तो रेस्टोरेंट में हमने स्टाफ रख लिया, तो स्टाफ किसके लिए रखा कि वो खाना बनाए, किसके लिए रखा वो खाना सर्व करे, किसके लिए रखा वो जो है जितने भी आपके यूटेंसिल्स लगे हैं उनको साफ करे, किसके लिए रखा वो रेस्टोरेंट की साफ सफाई रखे। तो ये सब क्या हो, ये सब होता है डायरेक्टिंग में। आप अगर उस रेस्टोरेंट के मैनेजर हो तो आप उसको क्या दोगे, डायरेक्शंस दोगे कि आप ये नहीं ये करो, आप ये नहीं ये करो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन हम बात करते हैं, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन की और चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग का मतलब देखो क्या होता है, तो डायरेक्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन, या डायरेक्टिंग को हम ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शंस देना, और डायरेक्शंस देने का मतलब होता है क्या, सुनना, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शंस देना, और डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्टिंग, देखो हम शॉर्ट में बता रहे हैं सारी चीजें, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू वर्क या वर्क टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब तुम लोग कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो देखो जैसे आप एक मैनेजर हो एक कंपनी के, सबसे पहले आप क्या करोगे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दोगे, उन्हें इंस्ट्रक्शन समझ में आया, उनको गाइडेंस करोगे, गाइडेंस देने का उनको मॉनिटर करोगे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करोगे, नहीं आप अच्छे से काम करो आपकी सैलरी बढ़ेगी, नहीं आप अच्छे से काम करो हमारी कंपनी ग्रो करेगी। किसको मोटिवेट, मॉनिटरिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग किसको करते हो, एम्प्लॉइज को करते हो। कब तक करते हो, जब तक कि एम्प्लॉइज अपनी एफिशिएंसी से वर्क ना करने लगे। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब तक वो अपने प्रॉपर पूरी जोरों से जो है वर्क ना करने लगे, तो वो क्या होता है, वो होता है चैप्टर 7 में इसको बोला जाता है डायरेक्टिंग। अब बात आती है कंट्रोलिंग की, अब कहना कंट्रोलिंग क्या होता है, अब ऐसा तो है नहीं आपने डायरेक्शंस दे दी उसके शांत रहो, जैसे सपोज करो आपने कह दिया कि जाओ सही से काम करना, अब कोई वर्कर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम हम चेक भी करते हैं क्या वो सही से काम कर रहा है। मतलब कंट्रोलिंग का मतलब आपका होता है जैसे ये है कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब कहोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस है क्या,
आपने बोला कि एक दिन में हमें 100 प्रोडक्ट चाहिए, तो ये क्या हो गया, यू भी प्लांट परफॉर्मेंस, प्लांट का मतलब इतना आपने सोचा था, और अगर वर्कर एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना रहा है तो ये क्या हो गया, यू भी एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो प्लांट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस एक ही है। जब प्लांट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस एक ही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस। तो ये किसमें आता है, ये कंट्रोल में आता है, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग, ध्यान से सुनना, विदाउट कंट्रोलिंग आपकी सारी चीजें बेकार हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो। क्यों? क्योंकि जैसे एज अ टीचर हमने आपसे बोला बेटा ये वीडियो, ये जो है वो लेक्चर देखना, ये लेक्चर पढ़ना, आपने कहा ठीक है सर, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, और आपने नहीं पढ़ा, ये गलती आपकी नहीं है, लेकिन गलती हमारी उधर होगी कि हम अगले दिन आके आपसे पूछे कि हमने कल क्या पढ़ाया था। अगर हमने पूछा कल क्या पढ़ाया था, इसका हमारी कंट्रोलिंग अच्छी है, लेकिन अगर हम पूछ ही नहीं रहे कल हमने क्या पढ़ाया था, उसका हमारी कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हो ये वीडियो, इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा पूछ सकते हो, फिर हम ये पार्ट है आपका पूरा खत्म हो गया, तो देख लो इसमें कोई डाउट हो तो। ये देख लिया, अब उसके बाद क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं पार्ट ए खत्म, अब बात आती है पार्ट बी की। तो पार्ट बी में जो है वो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंस, अब बात आती है पैसे की, ये सब तो ठीक है लेकिन बात किसकी है, पैसे की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को फाइनेंस करना। फाइनेंस हम कैसे करेंगे, जब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा, हमारे पास पैसा आ कहां से रहा है, हमारे पास इनकम आ कहां से रही है, तो वो होता है फाइनेंस का आना। फिर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस पैसे को हम मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा पैसा है वो हम कहां से लेके आ रहे हैं, ओनर्स फंड से लेके आ रहे हैं या बोरोड फंड से लेके आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर ओनर्स फंड और बोरोड फंड क्या होता है, तो हम एक शॉर्ट में चीज बता देते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बिजनेस कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा तो आप बोरोड फंड पे जाते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपका बिजनेस कम टाइम में ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगा तो आप ओनर्स फंड पे जाते हो। तो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आप अपने फाइनेंस का किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करके चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखते हो बैंक इंस्टीट्यूशन हैं, LIC ऑफिस वगैरह होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां से लोग एज अ इंटरेस्ट पैसा लेते हैं, या फाइनेंशियल मार्केटिंग का शब्द है ना, मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप पैसे को कहां से रेज करते थे, शेयर्स को इशू करके, डिबेंचर्स को इशू करके इस तरीके से, या आप फाइनेंस के अंदर जो है कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है। तो ये सब चीजें हम आपको जब पढ़ाएंगे, जब हम आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज लेक्चर्स देंगे, अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केटिंग में, नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये बोला जाता है कि इस बुक का सबसे बड़ा जो है वो ये चैप्टर है, इस बुक का सबसे लेंथी चैप्टर यही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें आप ये पढ़ोगे कि 4 तरीके के पीस होते हैं आपके, जैसे बताए जाते हैं आप जो है जब आप पढ़ोगे इस चैप्टर को तो आपको बताया गया कि एज अ बिजनेस मैन या एज अ मार्केटियर आप किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, जैसे ब्रांडिंग होती है और कई सारी चीजें होती हैं। ब्रांडिंग के साथ साथ जो है वो आप ये भी कह सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और लास्ट चैप्टर जो आपका आता है, जो सबसे ईजी चैप्टर माना जाता है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब कि फाइनली आपने बिजनेस तो पढ़ ली, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी पड़ती है वो क्या होता है, वो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि एज अ बिजनेसमैन
आप ये भी ध्यान देके चलते हो, ये भी ध्यान में रख के चलते हो कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या जो पब्लिक के अगेंस्ट हो, या आप जिस आपका जो प्रोडक्ट है वो रीजनेबल क्वालिटी का होना चाहिए, रीजनेबल प्राइजेस पर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। तो ये सारी चीज आपको, जैसे आपने 9-10 की सोशल में पढ़ा होगा राइट टू सेफ्टी, ये राइट्स होते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल, आपके राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो आप पढ़ोगे किसमें, ये आप पढ़ोगे, ये आपका जो लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज हमने ये आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका पूरा। एक चीज और हमने जो कि आपको बताया था, बिजनेस दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का होता है, पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का होता है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स बताएंगे वैसे वैसे हम मार्क्स भी बताते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो बिजनेस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एक चीज और, मैनी ऑफ यू जो है वो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बेटा उसको 720 ऑटो हटा के उसको 720 पिक्सल्स पे जब आप देखोगे तो वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और बहुत से लोगों का ये भी एक अभी कमेंट आए थे एक दो कि सर वीडियो कंटेंट इज नॉट सो गुड। मैं तो सारी चीजें ओपनली बताता हूँ, मैं कोई भी चीज छुपाता नहीं हूँ बेटा। वीडियो कंटेंट इज नॉट सो गुड नहीं, वीडियो कंटेंट इज एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। वीडियो कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट है, मैं कहीं भी इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं करता हूँ जिससे कि आप लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। हमें छोटी सी वीडियो बनानी है, उस वीडियो में कोशिश ये की जाती है हम लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दें जिससे कि आपका सिर्फ ध्यान पढ़ाई पर हो। बाकी अगर वीडियो बनाने को हम एक घंटे की भी बना सकते हैं जिसमें कई तरीके की बातें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो कंटेंट एग्जैक्ट हाँ, लेकिन जब हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो उनके एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो आपको चीजें बताएंगे। ओके सो थैंक यू।